दोस्तों एजैक्स क्या होता है? एजैक्स या एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल जिसका फुल फॉर्म है, ये एक वेब डेवलपमेंट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेब पेजेस को इंटरैक्टिव और डायनामिक बनाने के लिए। किस लिए? वेब पेजेस को इंटरैक्टिव और डायनामिक बनाने के लिए। इससे वेब पेजेस को एसिंक्रोनस तरीके से, यानी बिना पेज रीलोड किए, सर्वर से डेटा रिट्रीव और अपडेट करने में मदद मिलती है। मतलब पेज रीलोड नहीं होगा, जैसे पेज रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश नहीं होगा, ओके, रीलोड नहीं होगा, लेकिन सर्वर से डेटा रिट्रीव और अपडेट हो जाएगा एजैक्स के थ्रू। एजैक्स कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि यह है एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। कुछ मुख्य पॉइंट्स एजैक्स के बारे में हैं ये। पहला तो है एसिंक्रोनस ऑपरेशन। एजैक्स का मुख्य उद्देश्य वेब पेजेस को एसिंक्रोनस तरीके से, यानी बिना पूरी पेज को रिफ्रेश किए, अपडेट करना है। पेज को अपडेट करना बिना रिफ्रेश किए। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी एक्शन जैसे कि बटन क्लिक को परफॉर्म करते हैं, तो सिर्फ वो स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द वेब पेज अपडेट होती है, उतना पोर्शन ही अपडेट होगा और पूरी पेज रीलोड नहीं होती है। दूसरा है डेटा एक्सचेंज। एजैक्स से आप सर्वर से डेटा रिट्रीव और भेज सकते हैं बिना पूरी पेज को दोबारा से लोड किए। इससे यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है क्योंकि पेज रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है यूज ऑफ एक्सएमएल और जेसॉन। पहले एजैक्स में डेटा एक्सचेंज के लिए एक्सएमएल का इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल ज़्यादातर जेसॉन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जिसे कहते हैं, जेसॉन का इस्तेमाल होता है। जेसॉन डेटा का फॉर्मेट लाइट वेट और पढ़ने में आसान होता है, इसलिए इसका ज़्यादा प्रचलन हो गया है। चौथा है ब्राउज़र सपोर्ट। एजैक्स हर मॉडर्न ब्राउज़र में सपोर्टेड है, इसलिए डेवलपर्स को क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखने की चिंता नहीं होती है। पाँचवा है फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। एजैक्स का इस्तेमाल अक्सर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज जैसे कि जेक्वेरी, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट और मॉडर्न फ्रेमवर्क जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js एक्सेट्रा, इनके साथ किया जाता है, जिससे डेवलपमेंट प्रोसेस आसान हो जाता है। फिर है रियल टाइम अपडेट्स। एजैक्स के माध्यम से रियल टाइम अपडेट्स जैसे कि चैट एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया फीड्स और लाइव स्टॉक प्राइजेस, इनका प्रदर्शन किया जा सकता है, ओके? सातवां है सिक्योरिटी कंसिडरेशंस। डेवलपर्स को एजैक्स का इस्तेमाल करने पर सर्वर साइड सिक्योरिटी और क्लाइंट साइड सिक्योरिटी दोनों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत इस्तेमाल से सर्वर वल्नरेबिलिटीज या डेटा लीक्स हो सकते हैं। इस तरह से एजैक्स वेब डेवलपमेंट में एक अहम टूल है जो वेब पेजेस को इंटरैक्टिव और यूजर फ्रेंडली बनाने में मददगार होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, जिस किसी ने भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है जरूर करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।